वेलकम टू लारेब्स किचन आप तमाम लोगों को लारेब के किचन में ख़ुश है उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खुश होंगे खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुशियाँ नसीब करें आज हम बना रहे हैं आलू की ताहरी जिसके लिए बहुत कम मसाले होंगे ये हमने ऑयल के अंदर अपने सबित मसाले डाल दिए हैं जिसमें गरम मसाला है ज़ीरा है अब इसमें हम आ, अपनी प्याज जो हमने कट करके रखी है वो हम शामिल कर देंगे बहुत कम मसालों से ये तहरी बनती है लेकिन बहुत लजीज बनती है अब हम इसमें अदरक लहसन का पेस्ट शामिल कर देंगे अब इसमें टमाटर और हरी मिर्ची शामिल की जाएंगी दही शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्ची एक चमचा हाफ टी स्पून जो है वो हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे दो टेबलस्पून हमने नमक शामिल किया है इसके अंदर अब आलू ऐड करेंगे इसमें पकने के लिए रख देंगे अब इसे जब तक आलू हमारे गलते हैं देखिए मसाला अच्छी तरह भुन चुका है और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं इसके मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है अच्छी तरह मसाला भुन गया है इसका तो अब हम इसके अंदर जो है जितना हमें पानी चाहिए होगा चावलों के हिसाब से वो पानी ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन हमने डेढ़ कप जो है वो चावल लिए थे तो अब इसमें तकरीबन तकरीबन पानी जाना चाहिए तीन कप लेकिन हम पानी कम डालेंगे तकरीबन ढाई कप हम पानी डालेंगे इसके अंदर और उसमें ही हमारे चावल बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे क्योंकि हमने उनको चावलों को एक घंटा तकरीबन भिगो कर भी रखा है पानी में उबाल आ गया अब इसमें चावल शामिल कर देंगे अब इसमें हरी मिर्च हरा धनिया और पुदीना और तकरीबन एक टेबल स्पून गरम मसाला डाल के हम इसे पकने के लिए रख देंगे और ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे चावलों के अंदर ये हमारे चावल तैयार हो चुके हैं चावल निकालते हैं हम अपने प्लेटर में और फिर आपको दिखाते हैं बनाकर ज़रूर देखिएगा ये बहुत मज़े के चावल होते हैं और ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसके अंदर तो सलाद और रायते के साथ तो आप इसको सर्व कर सकते हैं तो बहुत लजीज चावल बनते हैं और खुशबू बहुत मज़े की होती है इसकी तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ लेकिन उससे पहले बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और बस अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा ट्राई ज़रूर कीजिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़